हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं आपके PT2 के एग्ज़ाम्स 25 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। इसीलिए आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम्स हैं, जैसे SL, साइंस, मैथ्स, ये सब आपको आपकी स्कूल ऐप से ही करने हैं। अब स्कूल ऐप से हम इन एग्ज़ाम्स को कैसे दे सकेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम स्कूल ऐप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसे हम लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। इनमें आप ऑनलाइन एग्ज़ाम जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे, देन आप अपने नेम पे क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने आपको स्टूडेंट डिटेल्स शो होंगी, जिसमें आपको नेम, स्टूडेंट नेम, क्लास, सेक्शन, एग्ज़ाम डेट एंड टाइम ये सब दिखाई देंगे। तो इसके बाद आपको अब ध्यान में जो चीज़ रखनी है वो ये है, आपको जिस भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है उस सब्जेक्ट के एग्ज़ाम की डेट आपको पता होनी चाहिए। पहले हम डेट चेक करेंगे और फिर उसके अटैम्प्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारी स्क्रीन पे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें स्टूडेंट नेम, क्लास, सेक्शन, डेट, सब्जेक्ट ये सब चीज़ें दिखाई देंगी। तो इसमें हमें ध्यान देना है ड्यूरेशन पे। ड्यूरेशन यानी कि टाइम लिमिट, टाइम लिमिट रहेगी आपके एग्ज़ाम की 90 मिनट्स, मीन्स 1 आवर 30 मिनट्स। इसी मिनट टाइम लिमिट में आपको अपना पेपर कंप्लीट करना है और ध्यान रखना है टाइम ओवर होने के बाद आप अपना पेपर नहीं दे पाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे आपके पेपर में 40, और आपको 40 के 40 क्वेश्चंस ही अटैम्प्ट करने हैं। फिर आप स्टार्ट एग्ज़ाम पे क्लिक करेंगे। और इसके कुछ ही सेकंड्स बाद आपकी स्क्रीन पे आपका जो पेपर है वो आपको दिखाई देगा। अब पेपर स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पेपर स्टार्ट करने के लिए हम स्क्रीन को थोड़ा जूम करेंगे ताकि हम क्वेश्चंस को अच्छे से रीड कर सकें। अब हम क्वेश्चन 1 रीड करेंगे, बिल्कुल अच्छे से रीड करना है, और फिर हम इसके ऑप्शंस को रीड करेंगे। ऑप्शंस रीड करने के बाद अब हम चाहेंगे कि हम इनके आंसर को टिक करें, तो इसका जो ऑप्शन है करेक्ट उस पर टिक करने के लिए हम क्या करेंगे, वापस से अब स्क्रीन को जूम आउट करेंगे। अब जो नीचे आपको आइकन दिखाई दे रहा था जूम इन जूम आउट का, इसके डिसअपियर होने के बाद ही हम नीचे जो एक ऑप्शन है आंसर हेयर का, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक लिस्ट अपियर हो जाएगी, जिसमें हमारे सामने हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होंगे, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमें उस पर टिक करना है। वापस से हम आंसर हेयर पे क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट नीचे आ जाएगी। फिर हम फिर से जूम करेंगे ताकि हम सेकंड क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर सकें। सेकंड क्वेश्चन हमने अच्छे से रीड कर लिया, अब हम इसके आंसर पे टिक करेंगे। वापस से हम आंसर हेयर पे क्लिक करेंगे, लिस्ट शो हो जाएगी हमें, तो जो भी ऑप्शन है हमारे अकॉर्डिंग हम टिक कर देंगे। तो ऐसे ही हमें हमारे टोटल 40 क्वेश्चंस हैं पेपर में, उन क्वेश्चंस को हमने अच्छे से रीड करना है और सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो ये लिस्ट को भी आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको बाकी के जो क्वेश्चंस के ऑप्शन हैं वो भी अच्छे से दिखाई देंगे। ऐसे हमने हमारे 40 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेने हैं, और आपने अच्छे से देखना है कि टेस्ट में पूरे 40 क्वेश्चंस हैं। बाकी के क्वेश्चंस आपको कैसे दिखाई देंगे, आप इस PDF को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे ऐसे, तो जो क्वेश्चन पेपर में जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो भी आपको अच्छे से दिखाई देंगे। और सभी क्वेश्चन के ऑप्शन आंसर हेयर में क्लिक करके जो लिस्ट आएगी उस पर टिक करने के बाद हम सबमिट एंड कंटिन्यू ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देंगे।
फिर आप देखेंगे कि आपके सामने स्क्रीन पे आपको आपका रिज़ल्ट शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको पता चल जाएंगे कि आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, और आपके सामने यहाँ एक ऑप्शन है रिव्यू आंसर, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा क्वेश्चन करेक्ट है, कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग है। आई होप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा कि कैसे आपने अपना पेपर देना है। फिर भी किसी स्टूडेंट को किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप अपनी क्लास टीचर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।